वेलकम टू वेल्थ अपग्रेड फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ एक NSM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक MBA फाइनेंस ग्रेजुएट। आज के इस वीडियो में करने वाले फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड का देखेंगे, कैसा है ये स्टॉक, कैसे है इसके लेवल्स और जानेंगे इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक्स आ रहे, कमेंट्स आ रहे, बट सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे और क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा। चलिए बिना किसी देरी पे हम चलेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे पहले और फिर हम जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। चलिए पहले देख लेते हैं श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड क्या करती है। आपको बेसिक आइडिया पता होगा कि क्या करती है, एग्री बिजनेस और बायो एनर्जी कंपनी है। और डिटेल में जाए तो क्या क्या मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर रिफाइनिंग, शुगर ट्रेडिंग, इथेनॉल एंड को जनरेशन। और आपको देखना है प्रोडक्ट्स इसमें और क्या डिटेल में हो सकता है, पावर जनरेशन, इथेनॉल और शुगर। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो बिल्कुल आप उनके साइट पे जाके पढ़ सकते हो। बेसिक चीज़ हमने कवर कर ली कि क्या बेसिकली कंपनी कवर काम करती है। चलिए स्टार्ट करेंगे, मार्केट कैप से 5704, एक मिड कैप में जा चुकी है कंपनी 5704। करंट प्राइस है 26.8, हाई लो है 47.8 और 8.70 का। स्टॉक पी नहीं है इसका, मतलब आई थिंक कंपनी लास्ट ईयर लॉस में है, इसके लिए हमें स्टॉक पी देखने मिल रहा नहीं है, नेगेटिव चीज है फ्रेंड्स। इंडस्ट्री पे देख लेते हैं 11.9। चलिए रिटर्न इक्विटी भी नहीं है फ्रेंड्स, अगेन लॉस की वजह से हमें वो भी दिखाई नहीं दे रहा, इक्विटी आई थिंक नेगेटिव में होगी। चलिए एक बार जाके देख लेते हैं बैलेंस शीट कहाँ पे, ओके शेयर कैपिटल 213 और रिजर्व्स -123, नहीं इसलिए हमें वहाँ पे नंबर्स ही नहीं दिखाई दे रहे फ्रेंड्स। यहाँ से पता चल रहा है कि कंपनी की हालत खराब है फ्रेंड्स, सीधा रिजर्व्स -1239 के दिखाई दे रहे हैं। ओके चलिए, आपको इसलिए डेट टू इक्विटी भी नहीं मिलेगा, ऑफकोर्स डेट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, स्टॉक भी आपको तीनों चीजें देखने नहीं मिलेगी क्योंकि इक्विटी नेगेटिव है फ्रेंड्स और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। कंपनी पे कर्जा कितना है 4861। चलिए जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कंपनी कितने प्रॉब्लम में, मार्केट कैप कितना है कंपनी का 5704 और कंपनी पे कर्जा कितना है 4861, तो ऑलमोस्ट जितना मार्केट कैप है उतना ही कर्जा है कंपनी पे, बहुत खराब चीज है फ्रेंड्स। चलिए प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कंपनी के, प्रोज कुछ है ही नहीं, कौन देख लेते हैं, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका मतलब होता है कंपनी जो पैसे बना रहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो इतना भी नहीं बना पा रही कि जो कर्ज लिया उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी कर सके, तो बहुत खराब चीज है फ्रेंड्स। अगेन पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -10.54% ओवर पास्ट 5 ईयर्स, अगेन नेगेटिव थिंग, सो फार मुझे एक भी अच्छी चीज नहीं मिली कंपनी में, सारे नेगेटिव चीज है फ्रेंड्स। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सेल से स्टार्ट करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं ईयर टू ईयर, रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे 2018 से 2021 तक का, 6250450448765645, तो थोड़े से हमें वॉलेटिल नंबर्स देखने मिल रहे हैं, अगेन कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो 11,000 यहाँ पे, ओके 11,844,9869 नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, ऊपर आ जाए और नंबर्स लोअर साइड पे ज्यादा स्टे कर रहे, बैड थिंग। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, लॉस -1152, -1075, -1448, लास्ट ईयर 2020 के प्रॉफिट में 2099, अगेन लॉस -115, अगेन अ बैड थिंग फ्रेंड्स। टू बी ऑनेस्ट मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी मुझे अब तक कंपनी पसंद नहीं आई है, नेट प्रॉफिट लॉस में, सेल्स भी कंटिन्यूस डिक्रीजिंग लेवल्स पे, बैलेंस शीट हमने ऑलरेडी देख लिया कि रिजर्व्स -1239 है, तो देखिए फ्रेंड्स और एक जैसे कोई अगर कैलमिटी आ जाती है जैसे कि ये COVID-19 जैसे, तो कंपनी बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी फ्रेंड्स, कंपनी बैंक करप्ट केस पे खड़ी है बिल्कुल भी। चलिए बोरोइंग्स देख लेते हैं कैसे है बोरोइंग्स, बाकी सब चीज़ें तो इतनी अच्छी बिल्कुल नहीं है, 4432 और 4861, अगेन कर्जा इंक्रीज हुआ है, ऑफकोर्स अगर कंपनी की इक्विटी नेगेटिव है पैसा कहाँ से आएगा, बिजनेस रन करने के लिए कंपनी का उठाना पड़ेगा कर्ज और कर्जे पे वापस इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो बिल्कुल जो कंपनी है नीचे ही चलती जा रही है,
अगेन अ वेरी बैड थिंग. चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं. वन ऑफ द मेन थिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लेते हैं, जो कंपनी का मेन बिजनेस है वहाँ पे कैसे कंपनी परफॉर्म कर पा रही है. -22 ये निकाल लूँ -22 टू 55, 561 -1564. मैसिव नंबर है फ्रेंड्स, मैसिव. इतना लॉस में कंपनी अपने मेन बिजनेस में. अगेन वेरी बैड थिंग फ्रेंड्स. रेशियोज देख लेते हैं कैसे. सो फार सारी चीज़ें मुझे बैड दिखाई दे रही है. डेटर डेज देख लेते हैं. डेटर डेज मतलब अगर कंपनी कुछ सामान बेच रही है तो उस सामान के पैसे कितने दिनों में कंपनी के पास रिटर्न आ रहे हैं. तो पहले 44 डेज में रहता, 23 डेज में आने लगे, फिर 10 डेज में, और फिर 10 डेज में. ये कम होना चाहिए. और फर्स्ट थिंग जो मुझे अच्छी लगी कंपनी में, डेटर डेज कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं. और ये कम भी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी इतना सेल्स नहीं कर पा रही. देखिए जितने जल्दी कंपनी का पैसा जाएगा उतना जल्दी कंपनी वो पैसा दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकती है. तो डेटर डेज कम होने चाहिए. और क्यों कम हो रहे हैं उसका रीजन भी हम जानते हैं कि सेल्स ही इतनी नहीं कर पा रही, तो ऑफकोर्स डेटर डेज भी थोड़ा बहुत कम हो गए. प्रोमोटर्स की देख लेते, होल्डिंग कैसी है. 62.48 ऑन है, सेम है. September 2020 तक 58.343, उसके बाद इंक्रीज किए प्रोमोटर्स ने. बट अगेन कुछ भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही कंपनी में. FIS की हम होल्डिंग देखें तो 1.61 है, जो कि डिक्रीज हुई है. देखिए FIS ऐसे टाइम पे बख्शते नहीं है कंपनी को बिल्कुल भी, वो सीधा ट्रिम करना स्टार्ट करते हैं अपनी शेयर होल्डिंग. RDIs की 11.05, 20 से 18, 18 से 12, सीधा 11. और पब्लिक की है 23.34. ऐसे कंपनीज में हमेशा पब्लिक की अपने आप शेयर होल्डिंग ऊपर चले जाती है जब मार्केट में ऐसे हाइप थोड़ा क्रिएट कर दिया जाए तो कोई भी कंपनी का. तो अगेन ऐसे ही जगह पे जब रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने देखा कि बहुत खराब हालत है कंपनी के. मैं लास्ट में दूंगा एक समरी कि आपको क्या करना चाहिए. चलिए टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं. टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल आप स्ट्रेट अवे देख सकते हो कि कंपनी साइडवेज में चल रही है. जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड. ओके अगर आप और इसमें इन्वेस्टेड हो तो आपको थोड़े से लेवल से यहाँ पे रख के चलने होंगे कि कौन से लेवल से वो. ओके फ्रेंड्स हमने थोड़े से लेवल से यहाँ पे मार्क कर लिया. कंपनी बिल्कुल साइडवेज चल रही है, आप देख सकते हो. एक अप ट्रेंड में, देन वापस से वहाँ पे गिरावट स्टार्ट हुई और अब जा चुकी है साइडवेज में. तो आपको वेट करना पड़ेगा ये लेवल्स का ब्रेक होने के लिए. ऊपर का लेवल है 31.84, नीचे का लेवल है 22.40. अगर आपको और कंजर्वेटिव लेवल चाहिए तो वो होने वाला है ये 25.70. अगर आपने इसमें इन्वेस्टेड किया है तो आप बिल्कुल 25.70 जब ब्रेक होगा उसमें से आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में बिल्कुल भी कंपनी अच्छी नहीं है फ्रेंड्स. तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो बिल्कुल भी अगर आपने इसमें इन्वेस्टेड हो तो. या फिर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो वेट कीजिए, या तो फिर ब्रेकआउट होने दीजिए. उस ब्रेकआउट में अच्छा मूव आएगा, फिर ब्रेक डाउन के यहाँ पे वापस से अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो. अगर आप रिस्क ले सकते हो 20.95 का, अगर इसमें नहीं ले सकते हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना 24 का, और फिर इसमें से एग्जिट कर सकते हो. तो फ्रेंड्स ये था एक मेरा कंप्लीट एनालिसिस. फिर भी आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.